Good morning, students. Today we will start with our paper 2, that is software engineering. In paper 1 we have discussed about the data structures, and in paper 2 we will discuss about the software engineering. इसके लिए जो मैंने बुक्स आपको बताई थी वो ऑलरेडी मैं आपको सिलेबस में भी बता चुका हूँ. द वेरी फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय पंकज जलोटे. And the second one is software engineering by Rajiv Mal. And one is the local book, that is software engineering by Sushil Goyal. The first unit is the introduction to the software. Software engineering is the field of computer science that deals with the construction of large or complex systems. Software engineering क्या है? ये computer science का है, वो field है जिसमें हम जो बड़े बड़े software है हमारे पास या large या complex software system, उनको कैसे हम deal करते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे उसको maintain किया जाता है, ये हम discuss करते हैं in the process of software engineering. The software development of this magnitude is usually done by a group of software professionals rather than a single professional. जैसे हमने देखा है कि अभी तक हम लोग जैसे एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, एक अपना प्रोग्राम बनाता है. तो वो क्या है, जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम है वो हमारे पास, जिसको एक इंडिविजुअल अकेला ही डील करता है. लेकिन जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो उसमें एक इंडिविजुअल पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, के काफी सारे पीपल्स हैं जिनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, वो आपस में मिलकर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है. द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू IEEE. अब IEEE क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स. तो सो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर, वो क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, रूल्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड डाटा. अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए जब हम एक सिंपल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है कोई स्टूडेंट, तो वो क्या करता है, जस्ट एक कोड बना देता है और उसको रन करना कैसे होता है वो चीज होती है उसमें. लेकिन जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या है, इट एक कलेक्शन है जिसमें क्या होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम होगा, मींस कोड तो होगा ही होगा, वो सोर्स कोड भी होगा और ऑब्जेक्ट कोड भी, कुछ भी हो सकता है वो. साथ ही साथ क्या होगा, एक प्रोसीजर होगा कि हमने वो प्रोग्राम कैसे रन करना है, द प्रोग्रामिंग रूल्स जो हमें बताएंगे कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे आपने डील करना है, एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड डाटा, और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है और सारा डाटा है, उस सारी कलेक्शन को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर. और सेकंड डेफिनेशन क्या है, द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. तो यहाँ भी ये वही कह रहा है कि ये क्या है, एक सेट है किस चीज का, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, प्रोसीजर्स का, एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन, मीन्स उसका फ्लो चार्ट क्या है, उसके लैब मैनुअल क्या है, एटसेट्रा, दैट डिस्क्राइब द प्रोग्राम एंड हाउ दे आर यूज्ड. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर. नाउ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी बताया, प्रोग्राम क्या है, जस्ट एक कलेक्शन है किसकी, कोड की, जो आपका सोर्स कोड होगा या ऑब्जेक्ट कोड होगा, दैट इज नोन एज अ प्रोग्राम. लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज अ कलेक्शन, किस चीज की कलेक्शन है, जिसमें प्रोग्राम्स भी होंगे और उसका प्रोसीजर रूल्स भी होंगे और साथ ही साथ उसका एसोसिएटेड डाटा होगा कि कैसे वो प्रोग्राम बनाया है और वो कैसे काम करेगा. सो सॉफ्टवेयर क्या है, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर. क्या, एक तो उसमें क्या होगा, प्रोग्राम होगा, वो मैंडेटरी है. साथ ही साथ अनदर मैंडेटरी थिंग इज डॉक्यूमेंटेशन, एंड थर्ड वन इज ऑपरेटिंग प्रोसीजर. तो सॉफ्टवेयर इज प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इन तीन चीजों की कलेक्शन है. तो प्रोग्राम क्या है, जो सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड का कॉम्बिनेशन है, वो क्या हो गया आपका प्रोग्राम. डॉक्यूमेंटेशन क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनुअल, जैसे उसमें फ्लो चार्ट होगा, ER डायग्राम जिनको हम आगे पढ़ेंगे, या डाटा फ्लो डायग्राम जिसको हम DFD बोलते हैं, इसको भी हम आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे. एंड
थर्ड वन इम्पोर्टेंट पार्ट इज ऑपरेशनल और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के उस सॉफ्टवेयर को आपने कैसे डील करना है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सेटअप एंड यूज द सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू रिएक्ट विद द सिस्टम फेलियर। उसमें और क्या होगा कि अगर आपका सिस्टम फेल हो जाता है, सॉफ्टवेयर किसी वजह से आपका सही काम नहीं कर रहा, तो उसको कैसे डील करना है, ये भी उसके ऑपरेटिंग प्रोसीजर में होगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैनुअल्स आर, जैसे कोई भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन गाइड होता है, बिगिनर्स गाइड ट्यूटोरियल के सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है उसके बारे में ट्यूटोरियल होता है, रेफरेंस गाइड होती है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन गाइड होती है एटसेट्रा। दीज थ्री मीन्स प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर मेक्स अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारे पास, सो सेकेंड टॉपिक इज सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। वियर आउट का मतलब खराब होना। जैसे अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर क्या हमारे पास जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा, जैसे जैसे हम हार्डवेयर को यूज करते जाते हैं वो क्या होता है वियर आउट, मीन्स वो उसकी लाइफ टाइम क्या है डिक्रीज होना, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, वो वियर आउट होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हमने मान लो क्या है इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदा है, इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदा है तो शुरू के 10 दिन में वो बहुत अच्छा काम करेगा, 15 दिन बाद उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होनी पड़ेगी, 1 साल बाद वो डिक्रीज होगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो मे बी फ्यूज भी हो सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं है। तो अब देखिए जैसे क्या है, अगर हम बात करें किसी हार्डवेयर की तो हार्डवेयर में जो उसका लाइफ स्पैन है वो किस तरीके से होगा, ये हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर की, इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जो लाइफ टाइम होता है उसका क्या होता है, वो बाथ टब होता है, जैसे बाथ टब नहीं होता उस जैसा उसका लाइफ स्पैन होता है। कि शुरू में क्या है फेलियर होने के चांसेस क्या होते हैं सॉफ्ट हार्डवेयर के ज्यादा होते हैं, और उसके बाद क्या होता है उसका एक यूजफुल लाइफ पीरियड होता है, और उसके बाद क्या हो जाता है उसका वियर आउट फेज होना शुरू हो जाता है। मीन ये देखो एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे क्या फेलियर इंटेंसिटी के फेल होने के चांसेस क्या। देखिए कोई भी जब हम हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं तो शुरू में उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारे पास हल्का सा स्टार्टिंग में क्या होता है उसके फेलियर के चांसेस ज्यादा से कम होने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद एक टाइम आता है जिसको हम बोलते हैं यूजफुल लाइफ फेस, वहां पे उसके फेलियर के चांसेस क्या होते हैं बहुत ही कम होते हैं, और फाइनली कुछ टाइम के बाद क्या होता है जब उसका यूजफुल लाइफ फेज खत्म हो जाता है फेलियर के चांसेस दोबारा से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसको ये जो हार्डवेयर है वो वियर आउट हो जाता है, और उसका जो वियर आउट या लाइफ टाइम का फेलियर इंटेंसिटी है वो क्या होती है बाथ टब जैसी होती है, बाथ टब, बाथ टब जैसा उसका लाइफ स्पैन होता है। तो पहला फेज क्या है हार्डवेयर के केस में बर्न इन फेज, कि जब हमने इसको इनिशियली बनाया तो फेलियर इंटेंसिटी क्या होती है बहुत हाई होती है, इट इज एक्सपेक्टेड टू टेस्ट द प्रोडक्ट इन इंडस्ट्री बिफोर डिलीवरी। और ये जनरली कब होता है मार्केट में लॉन्च करने से पहले इंडस्ट्री में जब वहां जहाँ पे बन रहा है वहां पे ही इसकी टेस्टिंग होती है, तो शुरू में क्या होता है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए वहां पे फेलियर इंटेंसिटी ज्यादा होती है। और उसके बाद जब एक बार ये वाला फेज खत्म हो गया तो उसके बाद क्या होता है उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं उसका यूजफुल लाइफ फेज। इन दिस फेज फेलियर इंटेंसिटी इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। और थर्ड क्या होता है हार्डवेयर के केस में वियर आउट फेज, आफ्टर अ फ्यू इयर्स अगेन फेलियर इंटेंसिटी विल इंक्रीज ड्यू टू वियरिंग आउट ऑफ द कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट क्या होते हैं वियर आउट होने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी फेलियर की इंटेंसिटी भी क्या होती है बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं है। देखिए सॉफ्टवेयर के केस में ये हमारे पास है इस तरीके से, मान के हम चलते हैं उसी फिगर को मैं रीड्रो कर रहा हूँ, ये है इसका टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे हमारे पास है फेलियर रेट। तो जब भी हम कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इनिशियली उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें एरर्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसके साथ डील करने शुरू हो जाते हैं उन एरर्स को हम रिमूव कर देते हैं और फिर फेलियर रेट क्या हो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो आइडियल एक सॉफ्टवेयर है उसका आइडियल लाइफ टाइम क्या होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए, शुरू में फेलियर चांसेस क्या होते हैं ज्यादा क्योंकि एरर्स होंगे, धीरे धीरे हम उनको रिमूव करेंगे और उसके बाद क्या होगा सॉफ्टवेयर सही से काम करना शुरू कर देगा, इसको बोलते हैं हम इसका आइडियल, आइडियल मीन्स बिल्कुल सही अगर वो काम कर आइडियलाइज्ड कर।
ये लिखा है डी वन। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्या होता है जनरली इस तरीके से होता है कि कोई मान लो कि आ जाता है वायरस ने अटैक कर दिया, तो यहाँ पे आगे वायरस ने अटैक कर दिया तो फेलियर होने के चांस बहुत ज्यादा हो गए। फिर हमने उसको रिमूव किया, फिर मान लो कोई और बग आ गया, तो इस तरीके से वो इस तरीके से काम करता है। तो जो ये हाई पीक्स है, हाई पीक्स का मतलब कि कुछ एरर्स आ गए उनको हम जैसे ही रिमूव कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, दोबारा से उसका फेलियर का चांस क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद कोई एक नया बग आ गया, तो उस बग का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम आ गई सॉफ्टवेयर में, कोड में, तो क्या होगा, वो दोबारा से फेलियर के चांस ज्यादा हो जाएंगे, और इस तरीके से। सो दिस वन इज द लाइफ टाइम ऑफ अ सॉफ्ट लाइफ टाइम कर्व ऑफ अ सॉफ्टवेयर। अब फ्रॉम फिगर थ्री इट वॉज क्लियर दैट नो वियर आउट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कभी भी वियर आउट नहीं होते, कंपोनेंट्स खराब नहीं होते सॉफ्टवेयर। मोर ओवर सॉफ्टवेयर बिकम रिलायबल ओवर टाइम। इसके अलावा उल्टा है कि जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर को यूज करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, रिलायबल। रिलायबल का मतलब खराब होने के चांसेस कम होना, रिलायबिलिटी बढ़ती रहती है। एंड इट बिकम, और फाइनली क्या होता है, अब सॉफ्ट जैसे हार्डवेयर तो क्या है, फाइनली खराब हो जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन हार्डवेयर के केस में ऐसा नहीं, सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, ऑब्सोलीट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि पुराने जमाने में हम लोग यूज करते थे एमएस ऑफिस की जगह यूज करते थे वर्ड, या कोई और यूज करते, जैसे अगर हम बात करें पास्कल, पास्कल लैंग्वेज हमारे पास शुरू में बहुत सही एक सॉफ्टवेयर था, लेकिन अब क्या है, उसकी जगह हमारे पास नए नए और लैंग्वेजेस आ गई हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आ गई हैं, इसलिए पास्कल को हमने यूज करना बंद कर दिया, और इसका मतलब क्या हुआ है, वो ऑब्सोलीट हो गया है। इफ द एनवायरनमेंट फॉर विच इट वाज डेवलप्ड चेंजेस, क्योंकि जो पास्कल था, पास्कल लैंग्वेज जब बनाई थी वो उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तब सही थी, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास दूसरा एनवायरनमेंट है, तो इसलिए पास्कल वाला सॉफ्टवेयर है वो क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया है। सॉफ्टवेयर में भी रिटायर्ड, तो सॉफ्टवेयर कभी भी वियर आउट नहीं होता, वो क्या होता है, रिटायर होता है ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, न्यू रिक्वायरमेंट एंड न्यू एक्सपेक्टेशन एटसेट्रा। दूसरी फीचर, प्रोग्राम इज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द क्लासिकल सेंस। जैसे अगर हम एक हार्डवेयर की बात करें, किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, थिंग की बात करें, तो वो तो क्या हो जाती है, बनाई जाती है, लेकिन इसको क्या होता है, डेवलप किया जाता है, इंजीनियर बनाया जाता है, इंजीनियरिंग किया जाती है। जैसे मान लो अगर हम हार्डवेयर की बात करें, तो अगर हमने एक थिंग बनानी है, ठीक है जी, और उसके बाद उसकी 1000 कॉपीज बनानी है, तो हमें, या 10,000 कॉपीज बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे उसके। लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में क्या, अगर आपने एक कॉपी सॉफ्टवेयर बना दी, सॉफ्टवेयर इज वन टाइम डेवलपमेंट एफर्ट एंड कंटिन्यूस मेंटेनेंस एफर्ट टू कीप इट ऑपरेशनल। अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, तो उसकी चाहे आप एक कॉपी बनाओ चाहे 10,000 कॉपी बनाओ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इज नॉट एन इशू, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फर्दर कॉस्ट। हार्डवेयर में क्या है, जितने जितने आपको प्रोडक्ट बनाने हैं उतनी कॉस्ट लगेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, वन टाइम डेवलपमेंट एफर्ट है, और उसके बाद जस्ट उसको मेंटेन करना पड़ता है, और कुछ उसमें कॉस्ट नहीं लगती। थर्ड करेक्टरिस्टिक, Although the software industry is moving toward component-based construction, most software continues to be custom-built. अब देखिए क्या है इसका, component-based construction और custom-built का क्या अंतर है? Component-based construction क्या है, जिसमें हमने, जैसे हम हार्डवेयर में करते हैं कि हमने एक component बना लिया, उसके बाद उसका दूसरा component बना लिया, हम सब components को क्या कर दिया, assemble कर दिया, ठीक है, और एक कंपोनेंट एक हार्डवेयर का किसी और जगह भी यूज हो सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर में जनरली ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कस्टम बिल्ड, वो एक कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक सॉफ्टवेयर में हमने इजी से चेंज कर दिया और वो दूसरे को इशू कर दिया विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। हार्डवेयर में ऐसा हो सकता है, लेकिन हार्डवेयर इज ऑलवेज कंपोनेंट बेस्ड। इन सॉफ्टवेयर एवरी प्रोजेक्ट इज अ न्यू प्रोजेक्ट, हमें स्क्रैच से बनाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में एफर्ट है कि हम सॉफ्टवेयर को भी क्या करें, कंपोनेंट बेस्ड बना लें, कि अगर एक सॉफ्टवेयर हमने बना दिया है तो उसी में हम हल्का फुल्का सा या ज़्यादा चेंज करके किसी और कस्टमर के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकें, तो उसको बोलते हैं हम कंपोनेंट बेस्ड।
तो हार्डवेयर कंपोनेंट बेस्ड होता है और सॉफ्टवेयर कस्टम बिल्ट होता है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में एफर्ट किया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर को भी कंपोनेंट बेस्ड बना दिया जाए ताकि हमारी कॉस्ट कम पड़े, ताकि हमें सॉफ्टवेयर स्क्रैच से ना बनाना पड़े। फोर्थ वन, सॉफ्टवेयर इज नॉट रिप्लेसेबल। जैसे हार्डवेयर में क्या होता है, मान लो आपकी एक मशीन है, उसमें हजारों कंपोनेंट लगे हुए हैं, कोई एक कंपोनेंट क्या हुआ, वियर आउट हो गया, तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह क्या हुआ, नया कंपोनेंट लगा दिया और आपका हार्डवेयर दोबारा से वो मशीन वैसे ही चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, द फेलियर ऑफ कोई भी, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि वियर आउट नहीं होते जनरली सॉफ्टवेयर में, क्या होता है फेलियर जो आता है वो किसी वजह से आता है, द फेलियर इन अ सॉफ्टवेयर इज ड्यू टू एन एरर इन डिजाइन और इन कोड, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स मेंटेनेंस। इसमें मेंटेनेंस होती है कि कोड अगर कोई है कि सॉफ्टवेयर किसी वायरस ने अटैक कर दिया तो आपने उसको कैसे रिमूव करना है। फिफ्थ वन, सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सीबल। कि सॉफ्टवेयर फ्लेक्सीबल है कि अगर आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है और कल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है हल्की फुल्की से, तो आप सॉफ्टवेयर के कोड में इजिली चेंज कर सकते हो, तो दैट इज व्हाई सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो क्राइसिस, क्राइसिस का मीनिंग क्या है, संकट। कि सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्राइसिस कब आता है, क्यों नहीं आता, क्यों आता है। मैनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर आइदर नॉट फिनिश्ड और नॉट यूज्ड और आर डिलीवर्ड विद मेजर एरर। जनरली क्या कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, कि या तो सॉफ्टवेयर हम कंप्लीट ही नहीं किए, हमने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया लेकिन उसको हम कंप्लीट ही नहीं कर पाए, दूसरा उसको बना दिया लेकिन यूज नहीं कर पाए, या हमने उसको क्या कर दिया है, कस्टमर को डिलीवर कर दिया लेकिन फिर भी उसमें क्या है, बहुत ज्यादा एरर्स हैं। तो इनकी वजह से सॉफ्टवेयर में क्या आता है, क्राइसिस आता है। अब देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट और प्रोजेक्ट में और कॉस्ट में क्या आपस में रिलेशन है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट है और वाई एक्सिस में हमारे पास कॉस्ट है। तो यहाँ पे मान लो हमने 100 टोटल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कि आज के टाइम में 100 प्रोजेक्ट्स इन जनरल चल रहे हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज। तो उसमें कह रहे हैं कि 50% तो प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कभी कंप्लीट ही नहीं होंगे, ठीक है, पेड बट नॉट रिसीव्ड, के मतलब कि वो कंप्लीट ही नहीं हुए। 33% प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो डिलीवर तो हो गए हैं लेकिन यूजर ने उनको यूज नहीं किया। 10% प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो अबेंडेंड होंगे और रिवर्कड होंगे, जिनको आपको दोबारा से रिवर्क करवाना पड़ा है, जिनके ऊपर कि आपने स्टार्टिंग में कुछ और बोला था लेकिन वो आप प्रोजेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो आपने उसको रिवर्क करवाया। ऐसे ही 5% ऐसे होंगे यूज्ड आफ्टर चेंज। कि अब देखो, कुछ तो आपने क्या कह दिया कि इनको बदल के दो, लेकिन उनमें से जरूरी नहीं है कि वो सबको ही चेंज कर दें। तो 5% सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जिनको आप यूज कर पाओगे लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे, कुछ चेंजेस के बाद ही यूज कर पाओगे, एंड यूज्ड एज डिलीवर्ड। और केवल 2% सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको हम यूज कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर 100 प्रोजेक्ट है तो 100 प्रोजेक्ट में से 93 प्रोजेक्ट्स, यहाँ तक के प्रोजेक्ट्स तो हमारे पास ऐसे हैं जो जनरली यूज ही नहीं हो पाते किसी वजह से, या तो वो बन ही नहीं पाए, या वो डिलीवर नहीं हो पाए, या डिलीवर होने के बाद उनको यूज नहीं। तो केवल 7% और उसमें से 2% ही ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइम में ही हमने यूज करने शुरू कर दिए। तो इस वजह से ही हमारे पास सॉफ्टवेयर क्राइसिस आता है, कि प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पास या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट इसी वजह से हमारे पास बढ़ती है। अराउंड 50% ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स वर नेवर डिलीवर्ड। इट इज इंटरेस्टेड टू नोट दैट ओनली 2% वर यूज्ड एज डिलीवर्ड। तो यही रीजन है कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट हमारे पास ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि अगर हम 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 100 प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उनमें से केवल 2 ही हमारे पास फाइनली यूटिलाइज होंगे, बाकी 98 क्या होंगे हमारे पास ऑलमोस्ट वेस्ट होंगे। अब जनरली रीजन क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस के, द रीजन, द मेन रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस आर, नंबर वन, सॉफ्टवेयर आर वेरी कॉस्टली एज कम्पेयर टू हार्डवेयर। अब देखिए, जैसे जैसे हमारे पास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ती गई, उसमें क्या हुआ, हार्डवेयर की तो क्या है कॉस्ट क्या है हमारे पास डेली, डे बाय डे क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या है, डे बाय डे बढ़ रही है। तो इसीलिए क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू हार्डवेयर, इसलिए ये मेजर रीजन है किसका, सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को हम कैसे मापते हैं, पीएम, पर्सन मंथ्स में,
कितने पर्सन्स कितने मंथ्स के लिए लगे हैं, दैट इज नोन एज द पीएम। वो हम आगे के यूनिट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। एंड प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डी एल ओ सी। एल ओ सी का मतलब होता है लाइन्स ऑफ कोड, और डी का मतलब है डिलीवर्ड, कि कितनी लाइन्स ऑफ कोड आपने डिलीवर की है पर मंथ। इसके बेस पे हम कॉस्ट निकालते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या है, हार्डवेयर की कॉस्ट से बहुत ज्यादा है, विच इज द मेन रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। दूसरा, सॉफ्टवेयर आर नॉट डिलीवर्ड इन टाइम, दैट इज लेट। कि सॉफ्टवेयर के लिए जो हमने जनरली डेडलाइन टेस्ट सेट करते हैं कि हम 1 महीने में दे देंगे, 2 महीने में दे देंगे, या 10 महीने में, या 1 साल में, या 2 साल में दे देंगे, तो वो अगर हम उसको टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ जाती है, और विच इज द अनदर रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। थर्ड, अनरिलायबल। जनरली सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास, मेजोरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अनरिलायबल होते हैं। मीन्स जो हमने काम उससे चाहिए था वो काम वो सही ढंग से नहीं कर पाते, विच इज ऑल्सो अ मेजर रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर डज नॉट डू व्हाट इट इज सपोज्ड टू डू, और डज समथिंग इट इज नॉट सपोज्ड टू डू। जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें हमने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस और परसेंटेज को ऑफ मार्क्स को मेंटेन करवाना था, लेकिन अगर हमें एक कंपनी ने ऐसा सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया जो ये दोनों काम नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो सॉफ्टवेयर रिलायबल नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ स्केल चौथा रीजन है क्राइसिस का, प्रॉब्लम ऑफ स्केल। कि अगर हमारा एक प्रोग्राम है या एक सॉफ्टवेयर है जो कम यूजर्स के लिए सही से चल रहा है, लेकिन वो क्या होता है, ज्यादा यूजर्स के लिए सही से नहीं चलता। जैसे जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि सॉफ्टवेयर वेबसाइट क्रैश होगी, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, वेबसाइट भी क्या है, सॉफ्टवेयर है हमारे पास। तो जनरली क्या है, कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट की बनाई हुई हमने होती है 1,000, 2,000, 10,000 यूजर्स के लिए, लेकिन एक साथ मिलियंस ऑफ द यूजर्स उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, तो वो स्केल अप नहीं कर पाती। स्केल अप का मतलब है कि नंबर ऑफ यूजर्स को बढ़ा देना, तो वहां पे वो फेल हो जाती है, विच इज अनदर रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। फिफ्थ रीजन है प्रॉब्लम ऑफ चेंज एंड रिवर्क। कि हमारे पास, कि हमने आज कुछ रिक्वायरमेंट दी है सॉफ्टवेयर के लिए कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन 1 ईयर के बाद हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो विच इज अनदर, तो उस टाइम क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमारे यूज का नहीं रहता, तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चेंज एंड रीवर्क। जैसे अगर हम बात करें कि हमने लास्ट टाइम सॉफ्टवेयर बनवाया था कॉलेज में बच्चों की, स्टूडेंट की अटेंडेंस को मेंटेन करने का, लेकिन कोविड की वजह से अब स्टूडेंट्स क्या फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं हमारे पास, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अब चेंज हो गई है, तो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर क्या हुआ है, अब उतना यूज का नहीं रहा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, क्योंकि फिजिकली बच्चे प्रेजेंट नहीं हो रहे, तो गेट के ऊपर अगर वो वाला हम सॉफ्टवेयर लगवा भी देते हैं, दैट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि क्लासेस क्या चल रही है हमारे पास, ऑनलाइन चल रही है। तो प्रॉब्लम ऑफ चेंज एंड रिवर्क इज अनदर रीजन ऑफ क्राइसिस। सिक्स्थ, इंक्रीज इन साइज ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज, इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम एरिया, दीज आर अनदर इश्यूज रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो दिस वन इज अबाउट द टूडेज लेक्चर। इन टूडेज लेक्चर हमने क्या सीखा आज, के व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड अ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर, एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। थैंक यू।